रात को जल्दी सोवो, सुबह जल्दी उठो। मैं पूरी दुनिया पे, अभी अफ्रीका के 8 मुल्क पसमांदा, 5 बजे के बाद बाजार बंद होते हैं, यहाँ रात 9 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। मेरे रब ने रात सोने के लिए बनाई, दिन काम के लिए बनाया। इतनी नहुसत है कि 12 बजे तक बाजार नहीं खुलते, 11 बजे तक बाजार नहीं खुलते। मेरे नबी ने फरमाया, जुइलतिल बरकतु फी बुकूर उम्मती, मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत दी गई है। मेरे नबी ने फरमाया, सुबह के वक्त में रिस्क तलाश करो, सुबह के वक्त में अपने रिस्क की तलब से गाफिल ना हो, सो ना जाओ। अब सारा ताजर सुबह सोता है, सारी मंडियां सारे बाजार रात 11 बजे तक खुले हुए हैं, बच्चों से दूर, बेवियों से दूर। रात 11 बजे दुकानें छोड़ते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, बच्चे या सो चुके हैं या अपने टीवी पर मशगूल हैं, ये 12 बजे खाना खा के ही सोता है। सारा खाना पेट में जहर बनता है, फिर पेट फूल फूल के बाहर, फिर जनाब शेख साहब टूटते जा रहे हैं, आप सज्जे पासे थे पेट खब्बे पास। और फिर डॉक्टरों की चांदी, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर, किसी को हार्ट, किसी को कुछ, ये सब फितरत की जिंदगी को चैलेंज करने का। ये सारी लोड शेडिंग अल्लाह की कसम खत्म हो जाएगी। शाम मगरिब पे बाजार बंद करो, सुबह उठो, सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारा चाइना, सारा अफ्रीका में जहां फिर कर आया हूं, 5 बजे बाजार बंद हैं, 9 बजे सन्नाटा होता है, हुकालम होता है, तुम्हारे 9 बजे लिबर्टी से गुजरा नहीं जाता है। क्या जुल्म सितम है, न दीन जानते हो न दुनिया जानते हो, न तुम दीन के वाकिफ हो न दुनिया के वाकिफ हो। दुनिया से भी जाहिल हो, दीन से भी जाहिल हो, दुनिया का भी जुल्म कर रहे हो, दीन का भी जुल्म कर रहे हो। ला समरा तबादल इशा, मेरे नबी ने फरमाया, इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, सो जाओ, तहज्जुद में उठो। 12 बजे के बाद जो आदमी सोते हैं उनके जिस्म की रिपेयर होती नहीं है, जो दिन में सोते हैं उनके जिस्म नींद मिस्त्री है, प्लम्बर है, आपके पूरी बॉडी की रिपेयर करता है नींद का निज़ाम। लेकिन जब आप 12 बजे के बाद सोते हैं या फजर के बाद सोते हैं, वो काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी छुट्टी मैं नहीं करना। जब आप 10 बजे सो जाते हैं वो पूरा एक्टिव हो जाता है, पूरे जिस्म को चुस्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, तो आप ताज़ा हो गए। रात का जागना, दिन का सोना नहुसत, आपकी बिजलियां तबाह, पहले ही थोड़ी है, ऊपर सारी रात के दुकानें फंक्शन। ये तो अल्लाह हुकूमत का भला करे, यहाँ की हुकूमत का, के 10 बजे का इन्होंने डंडा चलाया तो कुछ, वरना तो 10 बजे तो बारात की तैयारी हो रही होती और 1 बजे खाना हो रहा होता था। जिस उम्मत को अल्लाह ने वक्त की कदर सिखाई, उसी उम्मत ने वक्त को तबाह करके रख दिया। और जिस उम्मत के पास कुरान नहीं, नबी नहीं, उन्होंने वक्त को कैश करके तुम्हें गुलामी का तौक पहना दिया और दुनिया को लीड करने की ताकत अल्लाह ने उनको दे दी। ओ भाइयों, न दुनिया अच्छी रही न दीन अच्छा रहा। रात को जल्दी सो, फजर पढ़ी जाएगी आराम से, तहज्जुद पढ़ी जाएगी आराम से, कुछ वक्त अल्लाह के कुरान के साथ गुजारो, कुछ अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ो, कुछ अल्लाह के नबी के फरमान पढ़ो, नेक लोगों की हिस्ट्री पढ़ो, अपनी अपने अल्लाह के महबूब बंदों की तारीख पढ़ो, औलिया कराम की तारीख पढ़ो, अपने माँ बाप को इज्जत दो, शादीशुदा हो बीवी को इज्जत दो, बीवी खामिन को इज्जत दे, औलाद को इज्जत दो, वो इज्जत लौट के तुम्हारी तरफ आएगी। ये मेरे नबी एक पूरी जिंदगी लेकर आए, दुनिया का भी बताया, आखरत का भी बताया, इलाज भी बता गए, खाना भी बता गए, जिंदगी भी बता गए। ए मेरे अजीजों, एक खूबसूरत जिंदगी है जिसको सीखने की मेहनत हो रही है, ये तबलीग का काम उसको सीखने की एक अच्छी खूबसूरत मेहनत।